साथियों, अभी आपने सबका परिचय देने का ये अनोखा क्रम देखा और आप ही की तरह से मैं भी इन सभी साथियों को नज़दीक से और दूर से देखता रहा हूँ। मेरी जितनी जानकारी है उसमें मैं आपसे बताऊं कि ये अपनी अपनी जगह के कर्मयोगी लोग हैं। मैं शुरू करता हूँ राजनीति के लिए पूरे भारत में जाने जाने वाले और उड़ीसा के किसान नेता भाई लिंगराज जी को, जिन्होंने एक बड़ी भारी विरासत है किशन पटनायक की, समाजवादी आंदोलन की, उसको सजे के रखा है भाई लिंगराज जी। माय सिस्टर क्रिस्टीना, शी इज एन आइकॉन फॉर द वुमेन इन द होल ऑफ द कंट्री। वी हैव नोन हर फॉर 30 इयर्स एंड शी हैज एम्पावर्ड वुमेन इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड सोशली, एंड शी टुक नो टाइम टू डिसाइड वेयर शी इज गोइंग टू बी। इज शी गोइंग टू बी विद पावर अपॉर्चुनिस्ट और विद प्रिंसिपल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट? क्रिस्टीना सामी फ्रॉम तमिलनाडु। दिस इज अनदर वेरी रेयर पर्सन एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट द कमिटी टू इलेक्ट हर। शी वॉज एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बट 40 इयर्स अगो देन शी बिकेम वन ऑफ द बेस्ट IAS ऑफिसर्स ऑफ द होल ऑफ द कंट्री एंड शी बिकेम मॉडल ऑफिसर ऑफ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, छाया रतन, एंड वी वेलकम छाया रतन फॉर दिस। मेरे दोस्त हैं इसलिए तारीफ में ज्यादा नहीं कह सकता, नहीं चापलूसी लगेगी, लेकिन पिछले 15 महीने से और उससे भी पहले से हिंदुस्तान की आवाज के रूप में, खास तौर पर सांप्रदायिकता के खिलाफ, हिंदू सांप्रदायिकता, मुस्लिम सांप्रदायिकता, ईसाई सांप्रदायिकता और अमन और मोहब्बत के लिए, हैदराबाद से बार बार सारे देश में घूमने वाले भाई आदिल मोहम्मद साहब, आदिल मोहम्मद अमन कमेटी, आई हैव सीन हिम वर्किंग लाइक ए ग्रास रूट वर्कर, बट ही इज एन एमिनेंट जर्नलिस्ट। ही डेडिकेटेड हिज टाइम लाइफ फॉर यूथ फॉर रिवोल्यूशन एंड ही वॉन्ट्स टू कंटिन्यू दैट कमिटमेंट फॉर स्वराज। द वेरी एमिनेंट सोशल वर्कर फ्रॉम साउथ इंडिया एंड वेरी एमिनेंट लीडर फ्रॉम कर्नाटका, भाई मूर्ति जी, आई वेलकम मूर्ति जी। एंड यू मस्ट मूर्ति जी ने सारे कर्नाटक को जोड़ने का काम किया और आज कर्नाटक स्वराज अभियान के उन 7 राज्यों में है जहां 1/3 से ज्यादा जिलों में कमेटी बन गई है। हमने काम करते देखा है बहन एस पुष्पा जी को। पुष्पा जी इज फ्रॉम कर्नाटक। महिलाओं के बीच में से बहुत कम लोग निकल के आ पाते हैं और अगर राजनीति में धोखा हो जाए तो घर चले जाते हैं। पुष्पा उन महिला नेताओं में से हैं जिन्होंने कहा कोई बात नहीं, सफर में निकले हैं, ठोकर लग गई, गिर गए तो क्या पड़े रहेंगे, उठेंगे और चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहन एस पुष्पा। बहन अंजना जी को आप में से कम लोग जानते होंगे। अंजना जी नहीं, अंजना है, अंजना का हो गया, ठीक है, फिर भी दोबारा परिचय करा दें। ये जोधपुर से निकली परिवार की, उत्तर भारत उत्तर प्रदेश की बेटी, दिल्ली की पढ़ी, बंबई में वकील बन करके भ्रष्टाचारियों से लड़ रही है और बार बार आपके साथ खड़ी होती है, आपको आगे बढ़ाने में मदद करती है। ऐसे महिलाओं की हमको बहुत जरूरत है। एक साथी हैं जिनको आप सब जानते हैं क्योंकि ये हमको अनुशासन कमेटी में प्रशांत भूषण के साथ आम आदमी पार्टी के जमाने से रास्ता दिखाते रहे। उसके बाद अपने कारोबार को दांव लगा करके अलीगढ़ विश्वविद्यालय में जब पढ़ते थे तब से छात्र नेता थे और तब से लेकर अब तक स्वराज अभियान के लिए बुनियादी खंबे की तरह से खड़े भाई फहीम खान साहब, जो अब हमारे एंटी करप्शन टीम के प्रशांत जी के साथ कोऑर्डिनेटर हैं, भाई फहीम खान साहब। आप इनको जानते होंगे, बेहद सक्रिय, समर्पित, बिना खाए पिए आपके साथ काम करने वाली। दिक्कत यह है कि जब ये भूखी रहती है तो आपको भी खाने पीने नहीं देती हैं। आपके काम के लिए सम्मेलन था, संगठन का काम था, डॉक्टर ने मना किया था, लेकिन स्वराज अभियान का संगठन दिल्ली में फैले इसके लिए करीब करीब जान की बाजी लगा दी। मीटिंग की तैयारी में इनको हार्ट अटैक हो गया, वापस ही आपके बीच में आ गई है बहन आशना, और आशना बहन को आप इनके काम के लिए सलाम करिए। इनको आप जानते होंगे, ये पेशे से तो इंजीनियर हैं, दुनिया के बहुत ऊंची पढ़ाई देश में पढ़ी, विदेश में पढ़ी, सीखा जहाज बनाना, लेकिन सोचा कि जहाज तो सब बना लेंगे
हमको देश की वैकल्पिक राजनीति का संगठन बनाना है। हमारे यहाँ कानून जानने वाले सबसे बड़े आदमी का नाम है प्रशांत भूषण, वो भी जब स्वराज अभियान के कानून की बात आती है तो जरा गिरीश नंदगांवकर को बुलाओ और उससे पूछो कि हमारे कानून में क्या लिखा है। भाई गिरीश नंदगांवकर महाराष्ट्र के। दो साथी ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने राज्य में बुनियादी काम किया और बहुत कठिन राज्य हैं इनके। ऐसे राज्य हैं जहां राष्ट्रीय पार्टियों की भी नहीं चलती है। एक राज्य है पश्चिमी बंगाल, वहां श्री बिमल बोस हम लोगों के बीच में बहुत ही सम्मानित बुद्धिजीवी और बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता भाई बिमल बोस कलकत्ता के। ऐसे ही दूसरा राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां हम सब कुछ सीधा करना चाहते हैं रह रह करके उल्टा हो जाता है उस राज्य में, और उसमें एक शहर है बनारस जहां से कि बहुत बड़ी गलती हो गई, देश के ऊपर ये बोझा लाद दिया। गुजराती नहीं चाहते थे लेकिन बनारसियों ने कहा नहीं इसको मौका दो। वहां पर लड़के काम करने वाले भाई एमपी सिंह जी, मैं उनको निवेदन करूंगा कि वो सामने आए और ये आपकी राष्ट्रीय कमेटी के नए सदस्य हैं। एक आदमी ऐसा है जिसने अपनी जवानी फौज में लगाई, देश को बचाने के काम में जवानी लगा दी। फौज में रहते रहते देखा कि फौज वाले तो जो भी करते हैं वो देश को बचाने का है, लेकिन देश का सबसे बड़ा खतरा देश की गंदी राजनीति है। लौट के आए, पूना में घर बनाया, वहां पर अपने रोजी रोटी का इंतजाम किया और पूना से पूरे महाराष्ट्र और पश्चिमी भारत के लिए एक मशाल की तरह चमकने वाले कैप्टन नारायण दास साहब, इन्होंने हमारे संगठन को जान दी है। कैप्टन नारायण दास। साथियों अब ये परिचय का दौर पूरा हुआ। एक नौजवान है जो समझदारी में किसी से कम नहीं है, उम्र कम है लेकिन जानकारी ज्यादा है, और नई टेक्नोलॉजी जिससे ईमेल, इंटरनेट, फेसबुक, वो क्या होता है स्काइप, इस सब का मास्टर है, और हम सबके बीच में पूरी तरह से समर्पित होकर के रोजी रोटी का अलग इंतजाम लेकिन उससे भी ज्यादा काम संगठन का, स्वराज अभियान का, भाई नीरज कुमार जिन्होंने संगठन को बढ़ाया। हमारे साथी हैं जिनको मैं अपने विद्यार्थी जीवन से जानता हूं 1967 के जमाने से। उस जमाने में 77 में राजस्थान के शिक्षा मंत्री होने का जिनको सौभाग्य मिला, जेल से निकले और सीधे सत्ता में गए, फिर सत्ता को लात मारी और हमारे साथ खड़े हो गए, भाई विज्ञान मोदी स्वराज अभियान के राजस्थान के संयोजक। एक आदमी जिसने पढ़ाई में कुछ नहीं छोड़ा, अपने रोजी रोटी में हम समझते हैं कि अमेरिका में जन्नत है, अमेरिका में भी रोटी कमाई लेकिन देश की पुकार उसको वापस ले आई। भाई पुरुषोत्तम जी ने अपना पूरा समय आंध्र प्रदेश नहीं पूरे भारत को अपना घर बना के स्वराज अभियान का ये जो परिवार बना है, भाई अजीत जी के साथ, गिरीश के साथ, सोमनाथ के साथ, इन्होंने संगठन बनाने में पूरा समय लगाया, और अभी भी अगर किसी बात पर ठीक दृष्टि चाहिए तो भाई पुरुषोत्तम जी को आप सुनिए, इनसे आपको रास्ता मिलता है। मेरे मित्र भाई अवधेश कटियार जी किसानों के बीच काम करते थे, आ जाइए बीच में आ जाइए, उत्तर प्रदेश में काम बहुत कठिन था लेकिन ये आके खड़े हुए, और नोएडा में जब से हमारा केंद्रीय कार्यालय बना उसकी आधारशिला के तौर पर काम कर रहे हैं, और बहुत जल्दी वो इलाका जहां हमारा काम भाई विशाल लाठे के बीमार होने से गड़बड़ हुआ उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाई अवधेश कटियार जी। मेरे साथ यहां नहीं है लेकिन ये किसी से कम नहीं है, ये विद्वान है कंप्यूटर की, इनको अपनी पीढ़ी से, बुजुर्गों से विरासत में देशभक्ति मिली है, और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के बीच से हमारी सोशल मीडिया का काम और महिला की आवाज नहीं विद्वान की आवाज के रूप में हमारे बीच में काम कर रही बहन शालिनी मालवी जो पंचकुला की हैं, यहां पर नहीं है, उनको आप सलाम करिए। हमारे बीच में एक और साथी हैं जो जिनसे आप न मिलें तो अच्छा है, क्योंकि जब आपसे वो मिलेंगे आपसे स्वराज अभियान के लिए चंदा मांगेंगे, और छोटे छोटे चंदे से उन्होंने बड़े बड़े पैसे वालों को शर्मिंदा कर दिया। अडानी के पास नहीं गए, अंबानी के पास नहीं गए, आपके पास गए भाई मानिक महाना जो हमारे बीच में, मानिक है यहाँ पर नहीं है,
कहीं ना कहीं पैसा जरूर बटोर रहे होंगे, संभल के रहिएगा मालिक से। हमारी एक और युवा डॉक्टर है। डॉक्टरों के बारे में आप जानते हैं कि उनको पैसा कमाने से फुर्सत नहीं है, लेकिन इस डॉक्टर ने विचार में जो अस्वस्थता है, राजनीति में जो बीमारी है, उसको दूर करने का काम किया है। बहुत कम उम्र की युवाओं के बीच से उभरी हुई बहन श्रुति, जिसने सूखे के सवाल पर बहुत काम किया, यहाँ नहीं है श्रुति। एक और बहन है जो विदेश में है, और विदेश से उसको देश की पुकार सुनाई पड़ती है। विदेश में तो असल में लगभग हर बड़े देश में जो भारतीय हैं उसके बीच में स्वराज अभियान का समर्थन है, और उन सब लोगों के बीच में से ये बहन फाल्गुनी जो वैज्ञानिक है, रिसर्च करती है जीव जंतुओं के बारे में, और थोड़ा थोड़ा ये जो राजनीतिक जानवर है उन पर भी रिसर्च कर रही है कि आखिर क्या बात है कि ये सुधरते नहीं, ये कौन सा कुत्ता है जिसकी दुम सीधी नहीं होती है। और वो स्वराज अभियान की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है बहन फाल्गुनी, यूएसए में काम करती हैं। मुझे बाकी सबका परिचय हो गया, बालकृष्णन जी का भी परिचय हुआ। डिड वी इंट्रोड्यूस बालकृष्णन जी? नॉट येट। बालकृष्णन जी, यू कैन सी, इज अ मैन हु लव्स वॉकिंग स्ट्रेट, वर्किंग फॉर द पुअर, वर्क विद द मार्क्सिस्ट पार्टीज एंड फाउंड स्वराज अभियान एट द राइट वे। एक सही मंच है स्वराज अभियान, ऐसा इस समर्पित जनसेवक का निष्कर्ष था। बहुत कठिन जिले की, राज्य की राजनीति करते हैं, जिसका नाम है तमिलनाडु, जहां अम्मा अक्का के बीच में सब बर्बाद हो रहा है, भाई बालकृष्णन जी तमिलनाडु के। कॉमरेड दिशंबरम, दिशंबरम जी, हियर ही कम्स, ही इज अ मैन फ्रॉम केरला। एवरी केरलाइट मलयाली इज ए बॉर्न पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एंड श्री दिशंबरम उस केरल से हैं जहां हर व्यक्ति, हर बच्चा पैदा होते ही राजनीति की बात करने लगता है, और ऐसे में जहां कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के बीच में जगह नहीं है, इन्होंने स्वराज अभियान की जगह बनाना शुरू किया है। आप सब इनको सलाम करिए, भाई विशंबरम जी। तो मुझे लगता है कि कोई छूटा नहीं, कमेटी 40 लोगों की बनी है, 10 लोगों की जगह उन राज्यों के लिए खाली है जहाँ की मेम्बरी चल रही है, चुनाव होने वाले हैं, और उन लोगों के लिए खाली है जो अपना समय इस राष्ट्रीय अभियान में पूरी तरह से देना चाहते हैं। मुझे पूरी आशा है कि ये सभी आपके राज्य में, आपके जिले में अपनी अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार से आपसे मिलने का मौका पाएंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि जब ये आपसे रूबरू होंगे तो ये आपको यकीन हो जाएगा कि 25,000 सदस्यता वाला स्वराज अभियान, उसमें कम से कम 250 लोग ऐसे हैं जिनके कंधों पर स्वराज अभियान सुरक्षित है, आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।